यूटी कॉलेज में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 1878 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से नया सवेरा में कियास्क पाने वाले स्ट्रीट वेंडर को आवंटन प्रमाण पत्र भी वितरित किया, जबकि मंचीय कार्यक्रम से पूर्व भूमि पूजन, विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन तथा नन्हे मुन्ने बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, MLC एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। आगे सड़ जाइए फनी जी। टाउनशिप एवं स्पोर्ट सिटी योजना का शिलान्यास करें।
तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में कुल 1,877 करोड़ की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से संपन्न होता हुआ। हृदयतल से सादर धन्यवाद प्रेषित करते हुए मंच पर विराजमान हम सब के संरक्षक गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप पथ विक्रेताओं को आवंटन पत्र वितरित करें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे श्री अमित सैनी जी को नया सवेरा महंत दिग्विजय नाथ पार्क में अस्थायी आवंटन पत्र विक्रेता के लिए अपने चाय स्टॉल के लिए तालियों के साथ आप इनका उत्साह वर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपने स्टॉल का आमंत्रण पत्र प्राप्त करने के बाद हम आमंत्रित करेंगे श्री महेश जी को टी स्टॉल के आमंत्रण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए श्री महेश जी। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री राजनाथ यादव जी को फास्ट फूड की शॉप के लिए आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री जयराम सैनी जी सोया चाय की दुकान है सोया चौक के लिए हम श्री जयराम सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। नेक्स्ट श्री राहुल गुप्ता जी स्वास्थ्यवर्धक जूस की दुकान के लिए आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए श्री राहुल गुप्ता जी। नेक्स्ट श्री अनिल कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। नेक्स्ट श्री विश्वानंद गुप्ता जी चाट की दुकान के लिए अपने आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए सादर धन्यवाद महोदय। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप मकान भी चाहिए। किसी को LIG का, किसी को MIG का, किसी को HIG का, किसी को PM आवास योजना का, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को अन्य चीजें चाहिए। ये सभी प्रकार की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को जब प्राप्त होगा तो तब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आएगी। और उस खुशहाली के लिए ही आज यहाँ पे 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लेकर के हम सब यहाँ पर आए हैं। बहनों और भाइयों, इसमें यहाँ पे स्पोर्ट सिटी के साथ ही करोड़ रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं और ये कार्य यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही शहर की गली मोहल्ले से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्य, जिन कार्यों को यहाँ पर आज लोकार्पित किया जा रहा है, कहीं RCC की सड़क है, कहीं नाली का कार्य है, शहर के अंदर विकास प्राधिकरण ने हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में स्मार्ट क्लास दे दी है। यानी आप स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट क्लास भी होगी और स्मार्ट युवा भी होगा। यानी रवि किशन के साथ, रवि किशन स्मार्ट है इसलिए हीरो बन गया, हमारा हर युवा अब स्मार्ट बनेगा, हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा और स्मार्ट सिटी का स्पोर्ट सिटी राप्ती नगर विस्तार में यहाँ की गली मोहल्लों में अच्छा कार्य हो रहा है, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, सिवर लाइन पड़ रहा है, पेयजल की उचित व्यवस्था हो रही है, हर सुविधा से संपन्न गोरखपुर हो रहा है। और गोरखपुर की इन सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश आज जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, 10 वर्ष में देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, मोदी जी का 3रा कार्यकाल, अगले 3 वर्ष के अंदर भारत का 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, भारत का 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाएगी,
जो सुविधा अभी आपको प्राप्त हो रही है, किसी को राशन की सुविधा, किसी को मकान की सुविधा, किसी को शौचालय की सुविधा, किसी को आयुष्मान भारत की सुविधा, किसी को उज्ज्वला योजना की सुविधा, किसी को रोजगार की सुविधा, किसी को पीएम विश्वकर्मा की सुविधा, किसी को कन्या सुमंगला की योजना, किसी को मातृवंदना की योजना, किसी को जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा की योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सभी आपके जीवन में परिवर्तन का कारक बनने जा रही है। यानी ये सभी योजनाएं आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं। और अभी तो इतना दिया गया है, आप देखना जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो हर व्यक्ति आच्छादित होगा, सिचुएशन के 100% मत